नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने भी पंचायत सचिव का एग्ज़ाम दिया था तो दोस्तों आज जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों इसकी आपकी जो इवैल्यूएशन की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे आपकी 29 और 30 सितंबर को यहां पे आपकी इवैल्यूएशन हुई थी और आज इसका शिमला डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करें हम आपके साथ जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी के आप यहाँ पे नेम वाइज और रोल नंबर वाइज रिजल्ट देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, तो टोटल की बात करें तो 12 कैंडिडेट यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला में जनरल कैटेगरी में। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे PWD ऑर्थो में यहाँ पे एक कैंडिडेट सेलेक्ट किया गया है, आप देख सकते हैं नेम उनका। और उसके बाद PWD में दृष्टिहीन का एक यहाँ पे कैंडिडेट सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद MBA का एक कैंडिडेट सेलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों अगर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे आपकी EWS की आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम वाइज यहाँ पे बताया गया है कि कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। तो टोटल यहाँ पे 5 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं आपकी EWS में। उसके बाद बात करें दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी की यानी कि SC की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 4 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं नेम वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें SC BPL में यहाँ पे 2 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, तो नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद बात करें दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी की यानी कि ST की, तो ST में भी 2 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें यानी कि ST BPL की, तो ST BPL में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैंडिडेट सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट की बात करें OBC की, तो OBC में यहाँ पे टोटल 6 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं नेम वाइज आप देख सकते हैं। और लास्ट में बात करें दोस्तों OBC BPL की में, तो OBC BPL में यहाँ पे 2 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं। तो दोस्तों ये आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट था। तो हमारे पास किसी भी डिस्ट्रिक्ट का और रिजल्ट आएगा तो आपको इस चैनल पर अपडेट दे दी जाएगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद फ्रेंड्स।